तो वहीं धार में पुलिस ने अनाज चोरों के बड़े गिरोह का खुलासा किया है। ये गैंग वेयर हाउसों में रैकी कर चोरी की वारदात को अंजाम देता था, जिसके बाद चोरी किए गए अनाज को बड़े व्यापारियों को बेच देता था। मुखबिर की सूचना पर नौगांव पुलिया के पास नाकाबंदी की और इस दौरान पुलिस ने एक वाहन को रोका। वाहन में सवार लोगों से पुलिस ने पूछताछ की, जिसमें उन्होंने वेयर हाउसों से चोरी की बात कबूल की, जिसके बाद पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी ने इन वारदातों का खुलासा किया। एसपी के मुताबिक आरोपियों ने अलग अलग जगहों के वेयर हाउसों से कई कुंतल अनाज और दालें चोरी की। हालांकि गिरफ्तारी यहां पर हो चुकी है और पर्दाफाश इन चोरों का पुलिस ने किया। पिछले 2 महीने से लगातार वेयर हाउस चोरी की घटनाएं हो रही थी, जिसमें अभी तक 6 घटनाएं हुई हैं। 2 थाना नौगांव में, 1 अमझेरा में, 1 राजगढ़ में, 1 सादलपुर में, और लगातार हमारी टीम इस पे, 1 तिरला में, लगातार इसमें हमारी टीम वर्क कर रही थी। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें हमारी जो टीम है, हमारे एडिशनल एसपी देवेंद्र पाटीदार, सीएसपी देवेंद्र ध्रुवे, टीआई नौगांव चंद्रबान, क्राइम प्रभारी नीलेश्वरी और दिनेश शर्मा, और हमारी साइबर की टीम, लगातार हमारी टीम इस पर वर्क कर रही थी। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रही धार पुलिस सभागृह में, उसमें हमारी टीम ने करीब 10 जो बदमाश हैं उनको गिरफ्तार किया गया है।